जो इवे जो गुठनगर दारियों में मुबैना तौर जहर डेई कत्ल कल औरत जो केस मुड़ सही डेरन खिलाफ़ दाखिल। डिघबाला पुलिस औरत के कत्ल केस में नामजद डे रही उनके पुट के गिरफ्तार करे वरतो, मुड़स फरार थी वन में कामयाब। जो इवे जो कच्छ के गोठ नगर दारियों में बी अग मुबैना तौर जहर डेई कत्ल कल औरत साजिदा खोसो के कत्ल जो केस संसभाव निजामुद्दीन खोसो के फरियाद से डिघबाला थाने ते औरत के मुड़स सद्दाम खोसो डेर खालिद खोसो उनके पुट साजिद खोसो खिलाफ दाखिल किया वो है। जनत पुलिस औरत के कत्ल केस में नामजद डेर खालिद खोसो उनके पुट साजिद खोसो के गिरफ्तार कर लाकअप हवाले कर छो। जनत मकतूल औरत जो मुड़स सद्दाम हुसैन खोसो मौके ता फरार थी वन में कामयाब थी वो। याद रहे तो बी अग डिघबाला थाने के हद गोठ नगर दारियों में चयन बारन की माओ मसमात साजिदा खोसो की तबियत मुबैना तौर जहर वापरण सबब इंतहाई खराब थी पी हुई, जैके गणती जोगी हालत में जोही के तहल के अस्पताल आंदो वो, जिता बाद में खेस दादू अस्पताल मुंतकिल वो जिते हु फौत थी वही। मकतूल औरत के माओ फतेह खोसो भेण शाहिदा खोसो भाव निजामुद्दीन खोसे इल्ज़ाम हणदे मसमात साजिदा खोसो के संस मुड़स भी शादी की इजाजत न दियण ता तशद्दुद करण बाद खेस जबरदस्ती जहर पियारे कत्ल किया है। जै बाद मकतूल औरत के भाव निजामुद्दीन खोसो के फरियाद से औरत के मुड़स सद्दाम डेर खालिद उनके पुट साजिद खोसे मथा औरत के जहर दई कत्ल करण जो केस डिघबाला थाने ते दाखिल किया वो है। पुलिस केस में नामजद डेर खालिद खोसो उनके पुट साजिद खोसे के गिरफ्तार कर लाकअप हवाले कर छो है। जनत औरत जो मुड़स मौके ता फरार थी वन में कामयाब थी वो। अमर लाशारी काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम जो ही।